खास पूजा अर्चना की जाती है। इस मौके पर रीवा महाराज भी मौजूद होते हैं। उन्हीं के द्वारा ये पूजा संपन्न कराई जाती है। इस बार भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की मौजूदगी में पूजा अर्चना संपन्न। किसी जमाने में बांधव नरेश बांधवगढ़ स्थित राम जानकी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया करते थे। समय के साथ यह इलाका नेशनल पार्क में तब्दील हो गया। राम जानकी मंदिर भी उसके अंदर मौजूद था, जिसके चलते वहां पर पूजा अर्चना बंद हो गई। आज वर्तमान बांधव नरेश महाराजा पुष्पराज सिंह और उनके पुत्र दिवराज सिंह सहित हजारों लोगों ने बांधवगढ़ के किला पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर पार्क प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया था। पिछले कुछ सालों से कोरोना, बाद में जंगली हाथियों की वजह से जन्माष्टमी को होने वाली पूजा नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस साल बांधवगढ़ के द्वार श्रद्धालुओं के लिए जिस तरीके से खोले गए, जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, वो देखने लायक ही नजारा था। सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। आसपास पूरा मेले का माहौल जिन्हें सुरक्षा बलों की मौजूदगी में किले तक पहुंचाया गया। रीवा से महाराजा पुष्पराज सिंह के साथ भारी तादाद में लोग जन्माष्टमी के मौके पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। हम आपको बता दें, इस मंदिर में यह पूजा खास जन्माष्टमी के मौके पर की जाती है, जिसके चलते श्रद्धालुओं में भारी उत्साह रहता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा इस बार भी देखने में नजर आया। जिस तरीके से ये श्रद्धालुओं को जैसे ही पता चला जन्माष्टमी के दिन इस साल प्रवेश दिया जाएगा, सुबह से ही पार्क प्रबंधन ने इंतजाम कर रखे थे। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था, लगातार श्रद्धालु आ रहे थे, जिन्हें पार्क प्रबंधन इत्मीनान से थोड़ी थोड़ी संख्या में ऊपर किले तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा था। हालांकि बाघों के मूवमेंट के चलते इस आयोजन को दोपहर के बाद लगभग रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उस दौरान तक लगभग 5000 से ज़्यादा श्रद्धालु ऊपर माँ जानकी मंदिर पहुंचकर दर्शन कर चुके थे। ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा था। इस तरीके से घनघोर जंगल के अंदर किले के ऊपर मंदिर में, जहाँ पर पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर स्थापित है, वहाँ अब कोई नहीं जाया करता, वहाँ पर जंगली जानवरों का बसेरा है। आज एक अद्भुत नज़ारा देखने में साफ तौर से नजर आ रहा था। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।